सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये पेरेंट्स के लिए भी उतना इम्पॉर्टेंट है जितना स्टूडेंट्स के लिए है। इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके लिए डिसीजन लेना बड़ा टफ हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आज का जो टॉपिक है वो है डमी स्कूल वर्सेज रेगुलर स्कूलिंग। डमी एक टर्म यूज़ किया जाता है, मतलब एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आप अटेंडेंस आपकी ज़रूरत ना हो, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आपने मैनेज कर लिया आपके अटेंडेंस को। मोस्ट ऑफ द केस में आपके लिए इलेवंथ के एग्जाम को भी, हाफ ईयरली को भी, आप केवल प्रैक्टिकल देने जाते हो और फाइनल एग्जाम देने जाते हो, या हो सकता है इलेवंथ के एग्जाम सिर्फ देने जाते हो और क्लास नहीं जाते हो। नॉन अटेंडिंग स्कूल भी कहीं कहीं कहते हैं और डमी स्कूल भी कहीं कहीं कहते हैं। तो क्या हमें डमी स्कूलिंग लेनी चाहिए, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। बट ये बात भी अगेन मैं बोलूंगा जनरलाइज नहीं हो सकता। अभी मैंने एक 2 ईयर पे वीडियो बनाया है, इसके पहले या इसके बाद उसको अपलोड किया जाएगा, तो उसको चेक इट आउट करिएगा। डेफिनेटली वो हेल्प करेगा, इसमें ऐड ऑन करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। तो ये इतना आसान नहीं है डिसाइड करना कि हमें डमी स्कूल लेना चाहिए या रेगुलर स्कूल लेना चाहिए, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। तो आज मैं कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आपको ईजी कर दूंगा आपको समझाने के लिए, और आपको ये अब आसान लगने लगेगा। जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपका एम और गोल, इसके बेसिस पे आपको पता करेंगे। उसके बाद आपको योर पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उसके बेसिस पे पता करेंगे, पास्ट परफॉर्मेंस और बिहेवियर। और तीसरा जो पॉइंट होगा कि आर यू इन हॉस्टल या अपने घर में रह रहे हैं, उसके बेसिस पे हम पता करने की कोशिश करेंगे क्या इसका कोई रोल है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ प्रोग्राम, आप जहां पे जिस कोचिंग में भी ज्वाइन कर रहे हैं डमी स्कूलिंग के थ्रू, या डमी की ही ज्यादा बात करेंगे, वो इस वहाँ पे प्रोग्राम कैसा लॉन्च किया जा रहा है, कि आपको इवनिंग में पढ़ाया जाता है, दिन में पढ़ाया जाता है, स्कूलिंग के लिए क्या व्यवस्था है। और उसके बाद इस इन दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, कुछ बुराइयाँ कुछ अच्छाइयाँ। तो अब मैं शुरू करता हूँ। अगर आप डेडिकेटली कुछ भी हो जाए, IIT में ही जाना है या डॉक्टर ही बनना है, लाइक 2 ईयर JEE या 2 ईयर NEET, तो आप डमी के बारे में अपने आप को ज्यादा नंबर दे सकते हो, यानी आप ज्यादा इंक्लाइन हो सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप DU में भी चले जाओगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई ग्रेजुएट कोर्सेज में या SAT के थ्रू बाहर जाना चाह रहे हो, तो ऐसे केसेस में आप अभी 50-50 रख सकते हो, या आप रेगुलर स्कूलिंग को ज्यादा टाइम दे सकते हो। तो मैं सबके कुछ कुछ पॉइंट बताऊंगा आपके लिए। तो यानी अगर आप IIT और NEET आपका अल्टीमेट एम है, तो डमी को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपके पास और भी ऑप्शंस हैं तो आप रेगुलर स्कूलिंग को ज्यादा चांस दे सकते हो। उसके बाद आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस कैसे रही है, आप कैसे टाइप के, आपका आपका बिहेवियर कैसा है, आप क्या ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पीछे पेरेंट्स पढ़े रहते हैं, लगातार वो पीछे पढ़ते हैं तब पढ़ते हो आप, आपके सर पे कोई टीचर पढ़ा बैठा रहता है तब जाके आप पढ़ते हो, आप सेल्फ मोटिवेटेड कम हो, आपको ड्राइव करना पड़ता है। अगर इस तरह का आपका बिहेवियर है तो आपको आप डमी स्कूल में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको हर वक्त कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। वहां पे आपके पास ज्यादा टाइम होता है, और वहां पे अगर सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे नहीं हुए आप, तो आपको नेचुरली थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, और वो थोड़ा थोड़ा नुकसान करके बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप रेगुलर स्कूलिंग को ज्यादा समय दे सकते हो। उसके बाद आप हॉस्टल में रह रहे हो या अपने घर में रह रहे हो, हालांकि ये क्वेश्चन इस पे भी लिंक करेगा टाइप ऑफ प्रोग्राम, जो अगला पॉइंट है मेरा। तो अगर आप घर पे रह रहे हो और घर पे आपकी मदर वर्किंग नहीं है सपोज करो, या फादर घर पे रहते हैं, बिजनेस है, इन हाउस घर पे, कोई भी ये सिचुएशन आपको पता करना होगा कि आपको कोई मॉनिटर करने वाला घर पे है, ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर में से कोई या कोई भी घर पे, तब तो आपको ये प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, क्योंकि आपको मॉनिटर किया जाता है और आप उस सोशल डर से थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे की एक टाइम क्लास है दिन में और एक टाइम वो फ्री रहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोता है, रेस्ट करता है, टीवी देखता है, मोबाइल यूज करता था, यानी वहाँ उसका वो टाइम ज़्यादा खर्च होता है। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको पूरी तरह से बातें बताऊंगा कैसे इसको सक्सेस बनाया जाए अगर आप डमी स्कूलिंग लेते हो तो। बट उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरे 2 ईयर के लिए आप जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। अब आ जाते हैं कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, तो हॉस्टल में आप अकेले रहोगे, वहां पे अगेन आपका सेल्फ मोटिवेशन हेल्प करेगा,
सेल्फ मोटिवेटेड अगर होगे तो आप खूब पढ़ाई करोगे, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, लेजी हो सकते हो और हो सकता है कि आपका आउटपुट उतना ना आए जितना आपने प्लान किया है। घर पे रहने से ये थोड़ी प्रॉब्लम दूर हो सकती है क्योंकि घर वाले आपको रेगुलर मॉनिटर करेंगे और जब वो रेगुलर मॉनिटर करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है और होगी ही होगी। अब आ जाते हैं आपकी टाइप ऑफ प्रोग्राम। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट यही पॉइंट है जो मैटर करने वाला है मेरी पूरी डिस्कशन का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टाइप ऑफ प्रोग्राम। अब जनरली जो कॉर्पोरेट कोचिंग्स है, बड़े बड़े कोचिंग्स है, इनफैक्ट वी आर, हम लोग वीक स्कूल गोइंग बच्चों को वीक में 4 डेज बुलाते हैं। 4 डेज बुलाने से वो 4 दिन हफ्ते में आते हैं, 7 दिन में सिर्फ 3 दिन वो फ्री रहते हैं। सुबह के टाइम वो स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग आते हैं। सुबह के टाइम स्कूल जाते हैं, शाम को वो कोचिंग आते हैं, यानी वो बिजी हैं। उन्हें शाम को आना है, पढ़ना है और 3 दिन उनको होमवर्क वगैरह, कोचिंग वगैरह, जो वीकली टेस्ट वगैरह होता है उसकी तैयारी करना, वो बिजी रहते हैं। तो उनकी पढ़ाई चलती रहती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, कोई फालतू का काम नहीं क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है, अगर वो मोटिवेटेड है तो। अगर आप इसी 4 दिन वाले प्रोग्राम के लिए डमी स्कूल ले लिए, आपने कोई स्कूल ऐसा चूज किया जहां आपको जाना ही नहीं पड़ रहा है और प्रोग्राम है सिर्फ 4 दिन का, तो रेस्ट ऑफ द टाइम विल बी फ्री फॉर यू, विच कैन बी यूटिलाइज इन अ वेरी गुड वे, एंड रिवर्सली विच कैन बी वेस्टेड इन अ वेरी गुड वे। अब यहां पे अगर ऐसा प्रोग्राम है तो डमी आपके लिए वर्क नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नोट कर लीजिएगा। अगर ऐसी कोचिंग में पढ़ते हैं जो शाम को सिर्फ 4 दिन बुलाता है आपको, रेस्ट ऑफ द टाइम आप फ्री हो, तो आपके लिए डमी नहीं है, आपके लिए उल्टा नुकसान होगा, आप स्कूल से भी जाओगे और कॉम्पिटिशन से भी जाओगे। ये मैं आपको बड़ा क्लियर और खरा खरा बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपका स्कूल कहता है कि डमी वाले बच्चों के लिए हमारे पास एक पूरा अलग प्रोग्राम है, जैसे हमने इस साल ऑफर किया है, हम क्या करते हैं, डमी वाले बच्चों को टारगेट बैच के साथ बैठा रहे हैं। टारगेट बैच का मतलब हुआ कंप्लीट 12th पास बैच, उनका भी बेसिक बैच होता है, ऐसा नहीं उनको सब आता है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं आता। तो उस बैच में क्या होगा, जो पहला बैच होता है जनरली, इसमें तो एकदम फ्रेश बच्चे आते हैं जिनको नहीं आता। 3rd 4th बैच में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काउंसलिंग वाउंसलिंग से लौट के आते हैं, वो थोड़े परफॉर्मर होते हैं तो उनको कुछ आता है, काफी आता है, लेकिन इन फर्स्ट बैच में बच्चों को काफी नहीं आता। अब क्या होगा, इस पूरे एक साल के दौरान जब आप 11वीं में होगे, तो ये जो टारगेट बैच होगा ये 11वीं के सिलेबस को और 12वीं के सिलेबस दोनों को एक साल में खत्म कर लेता है। तो शाम वाले बैच में, यानी आप जब स्कूल के साथ शाम का बैच ज्वाइन करते, तो आप जनवरी तक, फरवरी तक एक साल का सिलेबस खत्म करते, 11वीं का सिलेबस खत्म करते। वेयर इज इन ड्रॉपर बैच, व्हाट वी कॉल टारगेट बैच, में आप मार्च तक में, वहां जनवरी फरवरी तक खत्म करते, यहां थोड़ा एक महीना बढ़ के मार्च तक में आप कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th, यानी एक साल में आपने पूरे 2 साल का सिलेबस पढ़ लिया। मे बी फर्स्ट वे में कुछ कुछ चीजें आपसे उतनी क्लैरिटी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि 11th में आवर शेड्यूल थोड़ा ज्यादा होता है और यहां पर थोड़ा कम हो जाता है, ऐसा मैक्सिमम कोचिंग पे होता है। हालांकि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हमारे यहां 11th 12th को हफ्ते में 12 घंटे से 15 घंटे पढ़ाया जाता है, टारगेट बैच में वीक में 25 आवर्स पढ़ाया जाता है, और अगर टेस्ट को जोड़ लिया जाए तो 28 आवर्स हो जाता है। तो ये स्टडी होती है बीच में ब्रेक अलग से। तो हमारे यहां आप एक तो डबल टाइम आपको मिलेगा, 2 गुना समय मिलेगा, मोर देन 2 गुना, 2 गुना नहीं, मोर देन 2.2 2.3 टाइम्स आपको टाइम मिलेगा। यानी अगर आप डमी स्कूलिंग करते हो तो 2.5 गुना घंटे आप पढ़ोगे, सुबह से लेकर दोपहर आफ्टरनून तक आप बिजी रहोगे और रेस्ट ऑफ द टाइम के आपके पास इतना काम होगा, क्योंकि आपको क्या करना होगा, वीकली टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होगी। तो वहां पे आपको हर दिन आप बिजी रहोगे, डिस्ट्रैक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अगर अब आपने 11वीं खत्म कर लिया, आप अपने स्कूल में 11वीं में पास हो गए, अब 11वीं में पास होने के लिए आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश और एक सब्जेक्ट ऐसा ले लेना चाहिए, इंग्लिश तो कंपल्सरी होगा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और एक आपको मे बी फाइन आर्ट्स या यू नो फिजिकल एजुकेशन लेना चाहिए, जहां प्रैक्टिकल ज्यादा, जहां मेहनत कम करनी पड़े, वो सब्जेक्ट आप ले लीजिए। अब आप आगे 12वीं में, जैसे 12वीं में आते हैं, अब आपने 11वीं भी एक बार खत्म कर लिया और 12वीं भी एक बार सिलेबस खत्म कर लिया कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आप ड्रॉपर बैच में बैठो, इस बार बेटर बैच में बैठो। कई हर इंस्टीट्यूट में अलग डिफरेंट डिफरेंट बैच होते हैं, एक ऐसा बैच होता है उन बच्चों के साथ होता है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड होते हैं या कुछ मार्क्स से कम क्वालिफाई होते हैं, अब आपको उस बैच के साथ बैठना चाहिए। उस बैच के साथ आप फिर दिसंबर जनवरी तक एक बार और सिलेबस खत्म कर लोगे, यानी 2 साल की कोचिंग में
आप पूरे सिलेबस को दो बार में खत्म करोगे एंड दिस इज द बेस्ट विच कैन पॉसिबल, और मल्टीपल टेस्ट सीरीज करोगे, यही इसका ब्यूटी है। अगर आप डमी स्कूलिंग करते हो और आपको इस तरह से कोचिंग प्रोग्राम मिल जाए तो ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड हो सकता है, और ये प्रोग्राम आपको करना चाहिए। प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, रफली मैं बता देता हूं, पॉइंट वाइज प्रॉस पॉइंट वाइज कॉन्स नहीं बताता हूं, रफली बता देता हूं। देखो जी, बनने के चांसेस भी हैं और बिगड़ने के चांसेस भी हैं, बोर्ड में खराब नंबर आने के भी चांसेस है, बट अगर आपने अपने आप को मोटिवेट कर लिया, अगर अपने आप को बिजी कर लिया, अगर आपकी कोचिंग अच्छी हो गई, अगर आपका यू नो सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो गया, तो इससे बढ़िया दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। यू कैन टारगेट फॉर फर्स्ट रैंक इन इंडिया, यू कैन टारगेट फॉर सेकेंड रैंक इन इंडिया, कुछ भी टारगेट करो पूरा हो सकता है, बिकॉज दिस इज द बेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम विच यू कैन हैव। दो बार कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर लो विद प्लेंटी ऑफ यू नो आवर्स विद हैव विद यू एंड मल्टीपल न्यूमेरिकल्स, हजारों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कुछ हो सकता है। आप लोग इस पे कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, या आप अगर पेरेंट है तो अपने बच्चे के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। कुछ भी अगर आपको अपने बच्चे के लिए डिस्कशन करना हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।